नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अक्सर हम जन की बात करते हैं इस खास कार्यक्रम में, लेकिन आज हम अपनी बात करेंगे, पत्रकारों की बात करेंगे। आज देश ने एक वरिष्ठ पत्रकार खो दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी, रोहित सरदाना जी की, जिन्होंने 15 साल पत्रकारिता को दिए बेबाकी से, तीखे सवालों के साथ। विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, हर किसी की वो बोलती बंद कर देते थे, लेकिन दंगल करते करते, जिंदगी का दंगल, वो हार गए। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, आज बात करनी इस पर ज़रूरी है क्योंकि एक छोटे से गांव से निकला एक व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंचा कि आज बड़े बड़े नेता, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज स्तब्ध हैं सब, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस पैंडेमिक में, इस परेशानी के समय में पत्रकार जो हैं फील्ड में निकल रहे हैं, स्टूडियो में हैं, लगातार हर खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और रोहित सरदाना सर का जाना भी मुख्य वजह कोरोना संक्रमण ही थी, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे कुछ दिन पहले ही। और उनके जो साथी हैं, यानी कि अगर आज तक के बड़े एंकर्स की मैं बात करूं या ऑफिस में जो भी काम करते हैं उनकी बात करूं, सभी को पता था, लेकिन हर कोई कामना कर रहा था कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और जिस तरह से उनकी सहयोगी कहती हैं कि उनकी बात लगातार रोहित सरदाना जी से होती थी, और कल तक, पारुल, कल रात तक भी उनसे बात हुई और वो कह रहे थे कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, 2 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि 2 तारीख को नतीजे आने हैं चुनावों के। और वो कवर करना चाहते थे, जज्बा देखे यहाँ पर, वो कवर करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन सुबह उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू वार्ड में, क्योंकि हालत बेहद गंभीर हो गई थी, जिसके बाद हृदय गति रुकने से, जिसे हम आमतौर पर हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। और उसके बाद से ही मीडिया जगत में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। देखिए पारुल, चाहे छोटा मीडिया हो, चाहे बड़ा मीडिया हो, चाहे बड़े चैनल्स हो, चाहे छोटे चैनल्स हो, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बड़े पत्रकार थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल काजोल, और देखिए, इसीलिए जब से खबर सामने आई कि रोहित सरदाना सर का निधन हो गया है, तब से ही सोशल मीडिया पर मानो सैलाब सा आ गया है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं अपनी भी बात करूं तो अपनी भी और लोगों की भी, हर कोई यही कह रहा है कि यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऐसा हो गया है। तमाम आज तक के लोग भी यही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो उनके फैंस हैं वो भी यही कहते नज़र आ रहे हैं, और यही कामना कर रहे हैं कि अचानक से कुछ हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि अचानक से ये खबर आ जाए कि रोहित सरदाना सर का निधन नहीं हुआ है, ये खबर झूठी थी। क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए इतनी बड़ी जगह थी, इतना प्यार लोगों के मन में था, क्योंकि दंगल आज तक पर वो करते थे, बहुत फेमस शो था उनका, और उसी से लोग उन्हें हर घर घर में, देश के हर घर में लोग उन्हें जानते थे। और इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री हो, रामनाथ कोविंद हो, राष्ट्रपति हो, राजनाथ सिंह हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता, आम जनता, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि हर किसी के मन में उनके लिए बहुत बड़ी जगह थी, और काफ़ी नाम भी उन्होंने कमाया था। 15 साल पत्रकारिता का जगत को उन्होंने दिए थे, और 15 साल से वो पत्रकारिता में थे। ऐसे में काजोल, जब ये खबर सामने आई तो यकीन कर पाना बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल था। अभी पारुल यकीन नहीं हो रहा है, हालांकि हर जगह ये खबरें चल चुकी हैं और हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थे, 42 साल के थे, 2 छोटी-छोटी बेटियां हैं, और एक तो ऐसी है जिसे समझ भी नहीं है कि पापा को क्या हुआ, या ऐसी तमाम चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और जब भी बात होती है तो आंखें भर आती हैं। और आपने अभी जिक्र किया पारुल की, देश के हर घर में वो मशहूर थे, क्यों? क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसे थे, जब भी वो लाइव चैट करते थे इतने बेबाक तरीके से, इतने खुश मिजाज होकर करते थे, और कोई भी लाइव चैट में जितने भी कमेंट आते थे वो जरूर उनको पढ़ते थे और हर किसी का रिप्लाई। बिल्कुल काजोल, इतना नाम पाने के बाद भी उस इंसान में एटीट्यूड नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि देखिए अक्सर होता है जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, एक नाम हासिल कर लेते हैं, आपके अंदर एक घमंड आ जाता है, आप अपने से नीचे वाले लोगों को उतनी इज्जत नहीं देते, लेकिन रोहित सरदाना सर के साथ ये नहीं था। बहुत सारे लोग उनके बारे में बताते हैं कि वो जैसे स्क्रीन पर दिखते थे या जैसे स्क्रीन पर उनका व्यवहार
व्यवहार दिखता था वैसे ही आम जिंदगी में भी था, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन काजोल देखिए जिस तरह से आज रोहित सरदाना सर का जाना हम सबके लिए बहुत बेहद बुरा क्षति है, बिल्कुल क्षति है। लेकिन आज की अगर बात करूं तो देखिए पत्रकारिता जगत में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं या कहा जाए पत्रकारों को इज्जत जो मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती। अगर मैं देखिए आज सुबह की बात करूं, ये तो देखिए दोपहर खबर आई थी कि रोहित सरदाना सर का निधन हो गया, लेकिन सुबह की बात करूं तो देखिए जी हिंदुस्तान के आज एक रिपोर्टर के साथ भी ऐसी घटना हुई है कि वो अस्पताल में खबर दिखाने पहुंचा था, स्थिति क्या है अस्पताल की वो दिखाने पहुंचा था, इस खतरनाक समय में भी, इस कोरोना के खतरनाक कहर के बीच भी अस्पताल पहुंचा था कि स्थिति क्या है वो दिखाऊं। लेकिन उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स ने उसके साथ क्या व्यवहार किया वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए पत्रकार अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं करते। और ऐसी भी देखिए कोरोना के समय में जब बहुत सारे लोग, हर कोई डर रहा है, हर कोई अपने अपने घर में बैठा है, लेकिन उस खतरनाक समय में भी पत्रकार जो है वो घरों से निकल रहा है ताकि आप तक रियलिटी जो है, जमीनी हकीकत जो है वो पहुंचा सके। लेकिन जब वो पत्रकार जी हिंदुस्तान का अस्पताल के अंदर पहुंचा अस्पताल की स्थिति दिखाने के लिए, तो डॉक्टरों ने उसे बुरी तरह मारा। काजोल इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पत्रकारिता से जुड़े जो लोग हैं किस तरह से मुश्किल में है और किस तरह से परेशान है। क्योंकि सवाल पारुल आज हमारा है, हमारा इसलिए क्योंकि रोहित सरदाना जी का कोरोना से निधन हुआ, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो तो हम सिर्फ सच्चाई दिखाने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, क्यों ऐसा सलूक हो रहा है? पत्रकारों की एक जिंदगी आपके लिए भी है, लेकिन एक जिंदगी उसकी खुद की भी है, लेकिन खुद की जिंदगी जीने का समय नहीं है। कई बार हम देखते हैं पारुल काम में इतना व्यस्त होते हैं, कभी एंकरिंग में, कभी रिपोर्टिंग में, कभी फील्ड में, कभी स्टूडियो में, खाने पीने का समय नहीं रहता। कई बार लंच बॉक्स जो है जिस सभी की माताएं या फिर बहनें या फिर बीवियां पैक करके देती हैं वो वापस ही घर ले जाते हैं। बिल्कुल। और जब पूछने पर डांट भी सुननी पड़ जाती है कई बार घर पर कि खाना क्यों नहीं खाया। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं और इस बिल्कुल और चाहे टाइम हो, टाइम लगातार बिल्कुल इस चीज को देख रहे हैं, टाइम की परवाह भी किए बिना हर रोज काम करते हैं, ये भी नहीं देखते कि किस टाइम ऑफिस आना है, किस टाइम ऑफिस से जाना है, कोई समय नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती किसी चीज की। लेकिन तब भी बेबाकी से खबरें हर कोई आप तक पत्रकारिता जगत से जुड़ा पहुंचाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अनदेखी जो है पत्रकारिता जगत के लोगों के साथ होती है, तमाम पत्रकारों के साथ। देखिए ये तो आज की घटना थी जो जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर के साथ हुई, ऐसी तमाम और भी घटना है, तमाम पत्रकार ऐसे हैं कि जिनके साथ बदसलूकी की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते कुछ लोग जैसे कि आज रोहित सरदाना सर अपनी जिंदगी की जंग भी हार गए हैं उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते, तो ऐसे में क्यों उन पत्रकारों को जो है इज्जत नहीं दी जाती, वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वो लायक हैं, जिसके वो हकदार हैं। बिल्कुल सही कहा पारुल। देखिए हम लगातार लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब हम सड़क पर निकल रहे होते हैं बहुत लोगों की मदद करने का मन होता है, कई बार हम कैमरे के पीछे से भी मदद कर देते हैं, कई बार कैमरे के सामने हम चीज़ों को दिखाते हैं कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आज सवाल है हमारे लिए आवाज़ उठाने का, आप सभी लोग हमारे लिए आवाज़ उठाइए, हम जैसे और युवा पत्रकार हैं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, उसके अलावा जो युवा हैं वो भी एक दिन वरिष्ठ पत्रकार बनेंगे, तो उनके लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि कई जगह पर देखिए हर जगह पारुल ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि उतनी रिस्पेक्ट मैं कहूँ तो वो नहीं मिल पा रही है। रोहित सरदाना जी ने 15 साल जो है इस पत्रकारिता को दिए, इस मीडिया इंडस्ट्री को दिए, और इन 15 सालों में सिर्फ वो आज तक में नहीं रहे हैं पारुल, उसके अलावा जी में रहे हैं वो, उसके अलावा ईटीवी में रहे हैं, इसके अलावा सहारा समय में उन्होंने काम किया है, यानी कि उन्होंने कितने दोस्त बनाए होंगे पारुल, अंदाजा लगाइए आप। वही लोग आज सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और जो भी उन लोगों की यादें हैं काजोल, हर एक अपनी यादों को लिख रहे हैं वो ट्वीट के जरिए और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ बिताए हुए पल कैसे थे और तमाम किस्से थे। क्योंकि देखिए 15 साल वो पत्रकारिता जगत में रहे थे, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों से मिले थे, बहुत सारे दोस्त बनाए थे, तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर अब वही मेमोरीज जो है उनके साथ वो शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, और सिर्फ आम लोग ही नहीं राजनेता तक भी, बिल्कुल उन लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज लिए थे। इसके अलावा देखिए पारुल अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं उनसे कभी नहीं मिली, मैंने सिर्फ टीवी में देखा, बहुत कुछ सीखा, जानने की कोशिश की, उनकी बेबाक जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश की, उनकी पत्रकारिता को वाकई सलाम है। कुछ पर्सनल मैसेजेस, कुछ पर्सनल वीडियोज मेरे पास आ रहे हैं, अपनी बेटी के साथ वो केक काट रहे हैं, उनकी बेटियों ने केक पे लिखा हुआ है वर्ल्ड बेस्ट डैड, देखिए उन पर क्या बीत रही होगी, दो छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें नहीं पता, ऐसी जो
मैं कहूँ कि भावुक तस्वीरें हैं वो मेरे सामने आई है, मुझे देखकर मेरी आंखें नम हो रही हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि जो उनके सहयोगी हैं, जिनके साथ रहते हैं, परिवार है, उनका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया परिवार के प्रति बेहद संवेदनाएँ दे रहा है, क्योंकि संवेदनाएँ देना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपील कर रही हूँ कि हमारे लिए भी आवाज़ उठाइए। इस कोरोना काल में हम जैसे और भी पत्रकार ऐसे हैं, चाहे वो वरिष्ठ हों चाहे वो युवा पत्रकार हों, अपनी जान की बाजी लगाकर आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं, सच्चाई पहुंचा रहे हैं। चाहे वो नेताओं की खबर हो, चाहे वो अभिनेताओं की खबर हो, चाहे वो आम जनता की खबर हो, अगर पत्रकारिता नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो इसे समझिए, इसे बदनाम कोशिश करने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल काजोल, और देखिए जान की परवाह किए बिना हम लोग ग्राउंड जीरो पर लगातार जाते हैं। तमाम ऐसे पत्रकार हैं, चाहे हम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की बात करें या फिर और चैनलों की बात करें, हर रोज़ ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, उन अस्पतालों में जाते हैं जहां पर कोरोना का खतरा जो है 24 घंटे मंडराता रहता है, जहाँ पर कोरोना के मरीज रहते हैं। बिना अपनी जान की परवाह करे वहाँ से रियलिटी रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप तक सच्चाई जो है देश की या फिर ज़मीनी हकीकत जो है वो पहुँच सके। तो ऐसे में देखिए, अनदेखा पत्रकारों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो अपील काजोल ने की है, मैं भी वही अपील करूँगी कि पत्रकारों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, उनकी आवाज़ बनिए, क्योंकि देखिए हम देश की आवाज़ बनते हैं, हर एक चीज़ हर एक मुद्दा हम उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ उठनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के लिए बस हमारी बात में बस इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे आपकी बात के साथ, क्योंकि आपकी बात करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमने सोचा था क्यों ना हम अपनी आवाज उठाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।